आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोमो फोल्डिंग के कुछ इजी तरीके शेयर करने वाली हूँ। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मोमो खाना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन छोटे छोटे मोमो बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आटा आपका बहुत ही लचीला सा गूथा होना चाहिए। आटे को आप गुनगुने पानी से गूंथने के बाद ऊपर से हल्का सा तेल लगाकर इसे कुछ देर रेस्ट करने के लिए जरूर रखिए, और उसके बाद इसे एक बार हल्का सा और पंच कर लीजिए। और फिर इससे आप या तो एक बड़ी लोई काटकर उससे छोटे छोटे आप 3-4 इंच डायमीटर के डिस्क काट लीजिए, या तो आप छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक मोमो भी बेल सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। और बेलते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि मोमो का जो एज है ना, ये पतला होना चाहिए, नहीं तो खाने में बहुत ही आटा आटा या मैदा मैदा सा लगेगा। और मोमो की फीलिंग और ये डिटेल अगर आप जानना चाहें तो उस वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोमो की इजी फोल्डिंग टेक्निक से शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमने एक डिस्क ले लिया है और इसके बीच में हम फीलिंग रखते हैं। फीलिंग हमको ज़्यादा भी नहीं रखना है, ज़्यादा रख देंगे तो फीलिंग ओवरफ्लो होगी, फीलिंग कम रखेंगे तो बीच में एयर पॉकेट्स बन जाएंगे, तो इसलिए ऑप्टिमम हमें फीलिंग रखनी है। और इसके बाद ये देखिए, इसे हम बिल्कुल गुजिया जैसा फोल्ड करते हैं वैसा फोल्ड कर लेंगे, आधे मून की तरह, और इसके एज को हम अच्छे से दबा दबा कर सिक्योर कर लेंगे। साथ ही इसे हम दबा कर थोड़ा पतला भी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो गुजिया वाला शेप है ना, आप मोमो इस तरीके से भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं। तो इसे हम दोबारा से मोड़ कर इसके दोनों एजेस को मिला देते हैं और इसे यहाँ पे सिक्योर कर देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक गोल सा एक शेप बन गया है, इसे बनाना बहुत आसान है। तो ये हमारी एक पहली बेसिक सी शेप हो गई। अब दूसरी भी एक बेसिक सी शेप, इसके लिए हमने एक छोटा एक डिस्क लिया है, इसके अंदर हम फीलिंग डाल देते हैं और इसे अब हम पहले एक एंड से सिक्योर करेंगे, लेकिन हम इसे हाफ लेंथ तक ही सिक्योर करेंगे, और उसके बाद इसे हम घुमाकर दूसरी तरफ से इसे हम फिर इस तरीके से मोड़ेंगे, तो ये एक ट्रायंगल वाला शेप बन जाएगा। और इसके एजेस को अच्छे से दबाकर हम सिक्योर कर देंगे। ये शेप भी बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये दो बेसिक शेप हो गई। अब तीसरी शेप, इसके लिए हमें मोमो के इस डिस्क में हम फिलिंग डालेंगे और इसे इस तरीके से दो उंगलियों के बीच में रखेंगे। एक तरफ को हम प्लीट नहीं करेंगे और दूसरी तरफ को हम प्लीट करेंगे, और उसके बाद इसे हम दबाते जाएंगे। एक प्लीट करेंगे दबाते जाएंगे, एक प्लीट करेंगे दबाते जाएंगे। तो ये एक तरफ प्लेन सा होगा, दूसरी तरफ प्लीट्स होंगे। आप जितनी सफाई से कर पाएँ वो उतना अच्छा है। मेरे से अभी भी बहुत सफाई से तो हुआ नहीं है। ये आधे चंद्रमा जैसा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है ये शेप। और अब चलिए आखिरी वाला, इसमें भी सफाई आप जितनी कर पाए उतना अच्छा है। मैंने कोशिश तो की है जितना मेरे से अच्छे से बन सके। तो इसमें भी हम मोमो को उसी तरीके से होल्ड करेंगे और एक तरफ प्लीट करते जाएंगे, दूसरी तरफ इसे हम फर्म रखेंगे, और इस तरीके से जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो हमें एक कोना सा मिलेगा, इसे घुमाकर हम इसके ऊपर एक गोलाई सा बना देंगे। और अभी ये उतना साफ ना भी दिख रहा हो, लेकिन स्टीम होने के बाद ये बहुत ही साफ दिखने लगता है। मोमो फोल्डिंग टेक्निक की छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।